मैं बहुत सारी उम्मीदें उससे बनता है और मेरा 20 साल का तजर्बा ये कहता है कि उसमें आप गवर्नमेंट के सेल प्रोवाइजेशन की का मुस्तकबिल मुजमिर है, छुपा हुआ है, हिडन है। मेरी मुराद है सदर जिला जम्मू रेस्पेक्टेड चंद्र फाकर जी। दोस्तों बहुत सारी जज्बा हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा तालियां पिट रहे हैं, पिटवाई जा रही है। मैं बतौर मेजबान आपके बीच में खड़ा हूँ, मंच पे विराजमान आल जम्मू कश्मीर पटवारी स्टेशन के महानुभाव विशेषकर सुखदेव सिंह जी मनास साहब, सरवर साहब, मेरे कश्मीर से आए हुए मेहमान, जम्मू प्रोविंस के दशों दशाओं से आए हुए मेरे जिला प्रधान, तहसील प्रधान, बेसिक मेंबर, डेलीगेट्स, आप सबका जम्मू की धरती पे एक बार फिर मैं दोबारा स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के दिन में अपने कुछ पुराने लोग जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी जरूर याद करना चाहूंगा। इस एसोसिएशन के लिए शैलोराम जी की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता, गुलाम आजाद जी को कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। मैं इन लोगों को जरूर यहाँ पे श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। मेरे को इलेक्शन के रिलेटेड नहीं होगी और हम लोग सुनेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि सारे लोग अभी जज्बात में हैं। हमारे पास समस्याओं का ढेर है, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो, चाहे हमारा ग्रेड पे का मसला हो, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मसला हो, इन सब चीजों का समाधान करने के लिए हम एक छत के नीचे आज जमा हुए हैं। रियाज साहब ने अपनी बात की, आरिफ साहब ने बोला, सब लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई, पर मुझे लगता है कि इस सब का हल यही है कि हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं, एक अच्छी पार्टी को हम चुने, एक अच्छे लीडर को हम चुने, जो ये सारी समस्याओं के लिए कोई समाधान निकाले, जो आगे का रास्ता हमें दिखाए, जो हमें लीड करे। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हमसे पहले भी बड़े बड़े प्रधान थे, आज हम हैं, कल और भी आएंगे, ये कारवां चलता रहेगा। इस कारवां को चलाए रखना है बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी रीजन के, मतलब मिलन के, सबको साथ लेके चलना है। जो जीतेगा वो हमारे सर सर का ताज होगा, जो हारेगा, मैं वो सुख से कहता हूँ कि जो आदमी दूसरे नंबर पर रहता है उसको ज्यादा इज्जतदार मानता हूँ, ये मेरा अपना मानना है। जहाँ तक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब की बात है, थोड़ा बाहर गए हुए हैं, हमारे कोली साहब, बहुत अच्छा सहयोग रहा है उनका, एक साल का हमने उनको सिर्फ टाइम दिया था, ढाकी से पे वो आए थे बगैर बाबू के, बगैर कामों के, फिर भी उन्होंने अपने टेन्योर में जम्मू डिस्ट्रिक्ट को 2 डीपीसी दी है, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस में कोली साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, टाइमली इलेक्शन जो है वो कोली साहब ने करवाए हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथियों जिंदगी में कभी भी ना शुक्र नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, कोई मुकाम नहीं खोया है हम लोगों ने, हमारा वकार वही है, हमको सिर्फ एकजुट होने की जरूरत है। मैं दावे से कह सकता हूँ आज कि अगर हमारे पास 2002 का एक्सपीरियंस है तो मेरे पास 2019 का जोश होकर वाला है, हमारे पास 2013-14 का शिक्षा बल है और हमारे पास 2009 की शालीनता है, ये चारों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, हम लड़ सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसा ना शुगर ना उम्मीद नहीं रहना चाहिए, ये हमारे मकसद में भी लिखा गया है कि इंसान को ना शुगर भी नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद भी नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रगल करने की जरूरत है, स्ट्रगल करते रहो। आज मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे कि हम सब बाशोर लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो भी इलेक्शन हो वो डिसिप्लिन तरीके से हो, हर डेलीगेट अपना प्रॉपरली वोट अच्छे से कास्ट करें,
ट्रांसपेरेंसी वाला इलेक्शन अथॉरिटी का काम है। और मैं एक और चीज यहाँ पे देख रहा हूँ, अलग अलग एजेंसी के लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मीडिया के कुछ लोग हैं, मैं उनका भी आदर सत्कार करता हूँ। एजेंसी के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बैठे रहें, वो देखें हमारी पूरी प्रोसीडिंग को, हम क्या करते हैं, कितना हमारा शोर फॉर्म है, डेमोक्रेटिक अंदाज से हमारे इलेक्शन होंगे। और ये मैसेज जो भी यहाँ से जाए अपने ऊपर आता उनको बता दें कि हम बहुत डिसिप्लिन हैं, हम सारा काम जो है वो आईन के तहत करते हैं, आईन के बाहर जाके कुछ नहीं करते हैं। मैं उन लोगों को भी जरूर आमंत्रण करूंगा कि वो लंच में भी हमारे साथ रहें, कुछ मीडिया के लोग और कुछ एजेंसी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार फिर मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका सत्कार करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो, क्योंकि कुछ लोगों को वापस जाना है, 5-6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। इसीलिए मैं ये उम्मीद लेके स्टेज छोड़ रहा हूँ कि जो भी यहाँ का डिसीजन हो वो यूनानिमस हो, चाहे इलेक्शन हो चाहे जो कुछ हो, उसके बाद सारे लोग बाहर बैठ के फोटो शूट करें, चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो। मैं ये पूरी उम्मीद रखूंगा कि हर इंसान अपने डिसिप्लिन में रहे, डिसिप्लिन से बाहर जाना गैर आईनी है, स्टेशन के लिए खराब है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।